नमस्कार, आज मैं आपको ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के लेआउट के बारे में और टेस्ट को किस तरह से पास किया जाए उनकी टिप्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप पहले रिपोर्ट करते हैं बूम बैरियर नंबर 1 पर, जहां पर आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, और उसके बाद में एक आपको टैग मिलेगा। टैग को डैशबोर्ड पर रखें और आप गाड़ी को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने के बाद में आप पोजीशन पर पहुंचेंगे जहां से रिवर्स एस शुरू होता है, और रिवर्स एस पर वापस लेके आने के लिए आपको एक बैंड है, रिवर्स एस बैंड, जिसमें कि आपको अपनी गाड़ी को मैनूवर करना है कि किसी तरीके से वो दोनों बाउंड्री से बची रहे। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप एक येलो लाइन को रेफरेंस माने और रेफरेंस मानते हुए राइट साइड से उसको देखते रहें और लेफ्ट साइड से स्टीयरिंग को मैनूवर करें, और आप देखेंगे कि आपकी लेफ्ट साइड बची हुई है, यानी कि आप राइट साइड की लाइन के रेफरेंस मान के चलेंगे तो लेफ्ट साइड आपका पूरी तरह से बचा होगा और आप सेफली गाड़ी को पीछे तक ले पाएंगे। और इसके लिए आपको जो ये फॉर्मेशन है, यह आपको 120 सेकंड में पूरी करनी है, और इसमें दो फॉरवर्ड ही अलाउड हैं। यदि आप पहली बार इस रेफरेंस लाइन को मानकर पीछे चलेंगे तो आपको किसी भी फॉरवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इस टेस्ट को पास कर जाएंगे। आपकी टेस्टिंग की पासिंग के बारे में रिजल्ट आपको इस बूम बैरियर पर मिलेगा। तो क्योंकि ये रिवर्स एस बैंड 120 सेकंड में पार करना है, तो आप इसमें अगर इसे पहले भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसे आप लेट करते हैं तो आप इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, जिससे कि फेल हो सकते हैं। तो कृपया आप जैसे ही ये रिवर्स एस बैंड पूरा करें तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ द बूम बैरियर वहाँ पर आप पहुँचें, यानी कि यू टेक द रिवर्स एस बैंड टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम द राइट साइड एंड मूव द व्हीकल बैकवर्ड सो दैट यू कैन गेट पास इन वन गो एंड विदाउट टेकिंग टू फ्रंट एज वेल एज यू कैन कंप्लीट दिस फॉर्मेशन विद इन 120 सेकेंड्स। नाउ यू वेट फॉर योर ग्रीन सिग्नल, यानी कि ग्रीन सिग्नल का आप इंतज़ार करेंगे, और इंतज़ार करने के बाद में आप एस इसको 8 फॉर्मेशन यानी कि सर्पेंटाइल मोशन में आप पहुंचेंगे, और इसके लिए आपको रोड की मार्किंग में आपको डायरेक्शन दी गई है। जिस तरह से डायरेक्शन आपको दी गई है उसी प्रकार से इन दोनों 8 सर्कल को पार कर लें, जिसके लिए आपको 60 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो आप इसको जैसे ही पार करेंगे तो आपके पास एक अगेन बूम बैरियर आएगा, जिसमें आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा, और उसमें आप जैसे ही वो ग्रीन होगी तो उससे आगे बढ़ सकते हैं, सो दैट यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ द लाइन विच इज़ प्लॉटेड इन द 8 सर्कल एंड टेक देम देयर रेफरेंस एंड अवॉइड हिटिंग टू द एनी साइड बाउंड्रीज, सो यू कैन पास द सर्पेंटाइल और 8 बैंड विद इन 60 सेकेंड, सो देन यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन में आपको ओवरटेकिंग के लिए करना है, यहाँ पर एक बैरियर आपको दिखेंगे, आप गाड़ी को मैनूवर करते हुए राइट साइड में आएंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ योर हैंड एज वेल एज टर्न सिग्नल, जिसके बाद में आप इस नेक्स्ट फॉर्मेशन पर पार करते हुए पहुंच सकते हैं, एंड यू वेट फॉर नेक्स्ट रेड लाइट एंड विच विल टेक 3 to 5 सेकेंड, यानी कि 3 से 5 सेकेंड में आपको इस रेड लाइट की जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना है, और उसके बाद में आप नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद में जैसे ही आप लेफ्ट साइड मुड़ेंगे तो पैरेलल पार्किंग का एक आपको फॉर्मेशन आता है। इसके लिए आप अगर स्ट्रेट सीधा जाएंगे और अपना जो रियर एंड है उसको क्रॉस कर लेंगे इस बॉक्स से, और फिर इसके बाद में एक यानी कि बड़ा टर्न लेते हुए,
बड़ा टर्न लेते हुए, पूरा स्पेस लेते हुए आप पीछे जाएंगे तो विदाउट एनी टेकिंग फॉरवर्ड यू कैन गेट योर पैरेलल पार्किंग डन विदाउट एनी हैसल्स। यानी कि आप गाड़ी को एक पीछे के लिए एक बड़ा टर्निंग एंगल और टर्निंग सर्कल लेते हुए गाड़ी को पीछे करें और फिर बॉक्स में बिना किसी दिक्कत के लगा पाएंगे। तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि आप गाड़ी को पूरा आगे ले जाएं और फिर पीछे धीरे धीरे वापस बॉक्स में लगाएं। देन यू आर नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट फॉर्मेशन। जैसे ही आप इसमें स्ट्रेट आगे जाएंगे तो स्ट्रेट जाने के बाद में आपको ग्रेडियंट टेस्ट है। ग्रेडियंट टेस्ट से पहले जैसे ही आप पहुंचेंगे वहां पर आपको सिग्नल तैयार मिलेगा। और ध्यान रखें कि पैरेलल पार्किंग की एक्टिविटी आपको 90 सेकंड में पार करनी है एंड डोंट वेट। यानी कि कई बार हमने लोगों को देखा है पार्किंग करने के बाद में इंतज़ार करते रहते हैं कि नेक्स्ट क्या करें। अगर आपने वहाँ पर गाड़ी खड़ी की तो आप फेल किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको सिग्नल खुला मिलेगा, देन यू आर रेडी फॉर द ग्रेडियंट टेस्ट। इसके लिए आपको स्टॉप लाइन से पहले गाड़ी को रोकना है और रोकने के बाद में वेट फॉर योर ग्रीन सिग्नल। तो जैसे ही आप ग्रीन सिग्नल के इंतज़ार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी चलाने से पहले पीछे आती है, तो आपको पीछे आने से रोकना है, धीरे धीरे क्लच को उठाना है और धीरे धीरे उसी रफ्तार से एक्सलेटर को देना है। यानी कि इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है सो दैट गाड़ी बैकवर्ड ना आए। इसके लिए आपको 12 इंच से ज़्यादा पीछे नहीं जाना है और इसके लिए 60 सेकंड का ही टाइम आपको दिया गया है। तो अगर आप इसमें पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। तो अगेन यू हैव टू टेक केयर दैट यू सिंक्रोनाइज योर क्लच एज वेल एज ब्रेक एक्सेलेटर सो दैट योर व्हीकल मे नॉट मूव बैकवर्ड एंड यू प्रोसीड फर्दर एंड देयर आफ्टर यू कम टू दिस बूम नंबर 6 सो दैट यू रिटर्न द टैग एंड योर टेस्टिंग रिजल्ट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड एट दिस पॉइंट एंड यू कैन मूव अवे एंड यू कैन गो होम एंड यू विल बी टोल्ड वेदर यू आर पास और फेल्ड। और इफ़ यू आर फेल्ड देन यू हैव टू अपियर आफ्टर 7 डेज। सो प्लीज़ रीड एंड द इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज प्लीज़ डू चेक योर प्रिकॉशंस एंड प्रिपेयर योर सेल्फ एंड सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। आप बार बार इस वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के बाद में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएंगे और पहली दफ़ा ही पास हो जाएंगे। धन्यवाद।